नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबी अवधि का वर्षा का पूर्वानुमान में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज हम बात करेंगे आने वाले कुछ दिनों के मौसम के बारे में तथा संपूर्ण भारत में कैसे रहेगा बारिश की स्थिति, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं आज और कल देश भर में मौसम कैसा रहेगा। आज शुक्रवार 16 अगस्त। आज कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, केरल, माहे, लक्षद्वीप और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा आज कुछ राज्यों में बिखरी हुई बारिश भी देखने को मिल सकती है, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयलसीमा और तेलंगाना। कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके अलावा कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है, जैसे पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ओडिशा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी तो कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है, तो वहां के लोग विशेष सावधानी बरतें। कल शनिवार 17 अगस्त। कल भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, केरल, माहे, लक्षद्वीप और कर्नाटक में। कल भी बिखरी हुई बारिश जारी रहने की उम्मीद है छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयलसीमा और तेलंगाना में। जिन जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है वे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके अलावा कुछ जगहों पर मध्यम से भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की भी संभावना है, जैसे छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और अंत में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, तो वहां के लोग भी तैयार रहें। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। सबसे पहले मॉनसून ट्रफ फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति में बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक इसी स्थिति में रहने की संभावना है। अब बात करते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन की, जो इस समय दक्षिण बांग्लादेश और उससे सटे गंगेय पश्चिम बंगाल के हिस्से में मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर मौजूद है। ये सर्कुलेशन ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में आज सुबह 16 अगस्त 2024 को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाकों में एक लो प्रेशर एरिया बन गया है। अगले 2-3 दिनों में ये क्षेत्र और अधिक प्रभावी हो सकता है और गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। साथ ही इसके ओवरलैंड डिप्रेशन में बदलने की थोड़ी संभावना भी है। इसके अलावा उत्तर पूर्व राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक फैला हुआ है। इसी तरह दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे सटे दक्षिण केरल के तट पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक फैला है। एक ट्रफ लाइन कोंकण से शुरू होकर इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक जा रही है, जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक फैली है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। अगले कई दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो कहीं कहीं पर तेज हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं, जो अगले 4-5 दिनों तक जारी रह सकती है। अब बात करते हैं 16 से 17 अगस्त की,
इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 16 से 22 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी अवधि के दौरान बारिश होगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 16 अगस्त को भी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 16 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अब मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 7 दिनों तक यहां हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण, गोवा और गुजरात में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16 अगस्त और फिर 19 से 21 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 18 से 21 अगस्त तक और विदर्भ में 18 से 20 अगस्त तक बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा में 18 से 20 अगस्त तक बारिश का अनुमान है और छत्तीसगढ़ में 16 से 22 अगस्त तक अच्छी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 16 अगस्त को भारी बारिश और 17 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत के राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 16 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 16 से 22 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। झारखंड में 16 से 20 अगस्त तक और ओडिशा में 16 से 19 अगस्त तक बारिश की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल में 16 और 17 अगस्त को और ओडिशा में 17 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में 17 और 18 अगस्त को बारिश होने का अनुमान है और ओडिशा में 16 अगस्त को बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। केरल और माहे, लक्षद्वीप और कर्नाटक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा और तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 16 से 18 और 19 अगस्त के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 19 अगस्त को, लक्षद्वीप में 16 से 19 अगस्त तक, रॉयल सीमा में 16 और 17 अगस्त को, तटीय कर्नाटक में 16 अगस्त को, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 16 और 17 अगस्त को बारिश की संभावना है। और आखिर में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 16 और 17 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। केरल और माहे में भी 16 और 17 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। रॉयल सीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 16 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों, ये था अगले कुछ दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।